नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेकी हीलिंग फॉर लाइफ में। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो अपने चक्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड चक्र के बारे में। इससे पहले जो मैंने डिटेल दी है आप लोगों को वो दी है रूट चक्रा के बारे में, और उससे पहले जो मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया है वो बताया है कि हमारे सेवन चक्रास कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके कलर क्या होते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल दी है। दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं सेकंड चक्र के बारे में वो है स्वाधिष्ठाना। ये हमारी नाभि से चार उंगली नीचे होता है और इसका जो रंग है वो सूर्य उदयमान है, संतरी कलर का। दोस्तों इसमें जो हमारे देवता हैं इन चक्र के वो हैं श्री ब्रह्मा जी, और उनकी देवी जो हैं वो हैं माँ सरस्वती। इनका जो तत्व है वो जल तत्व है। और हम जब बात करें कि इस चक्र में जब ये चक्र किसी का एक्टिवेट होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर ये चक्र किसी का डीएक्टिवेट होगा तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये चक्र किसी का एक्टिवेट है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे पहले ये कि ये चक्र हमारे नाभि से चार उंगली नीचे होता है, तो दोस्तों इसका सीधा जो संपर्क है वो हमारे चेतन और अवचेतन मन से बहुत गहरा जुड़ा हुआ होता है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन की पुरानी से पुरानी और नई से नई जीवन की छाएं जो हैं वो उसके अंदर जुड़ी हुई होती हैं। और दोस्तों क्योंकि ये नाभि के पास में है जहाँ गर्भस्थल होता है, तो इससे हमारे जन्म की जो बातें हैं वो बहुत सारी जुड़ी हुई होती हैं। सेकंड हम ये कहते हैं कि जिन लोगों का ये चक्र एक्टिवेट होता है उन लोगों का सबसे पहला कार्य जो उनके अंदर परिवर्तन होते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले तो उन लोगों के अंदर से भय, क्रोध, मोह, लोभ और लालच, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये चीज़ों का उनके जीवन में कोई भी जगह नहीं होती, कोई भी तात्पर्य नहीं होता। ऐसे लोग बड़े ही खुश मिजाज टाइप के होते हैं, ये कभी किसी से कोई घृणा नहीं करते, बड़े खुश रहते हैं, इनका नेचर बहुत ही अच्छा होता है और ये अपने जीवन में बहुत तरक्की पाते हैं। अपने काम से काम और अपने काम के प्रति इनका लगाव पूर्ण होता है, और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मतलब हमेशा उच्च शिखर तक जरूर पहुंचते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों के ये चक्र डीएक्टिवेट होते हैं उनके जीवन में इस डीएक्टिवेट चक्र का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि जिन व्यक्तियों के ये चक्र डीएक्टिवेट होते हैं उनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या होती है पहले ये होती है कि वह किसी भी प्रकार अपने जीवन में खुश नहीं होते, क्योंकि इनके नज़रों में या इनके बोली में या इनके स्वभाव में या इनके व्यवहार में दूसरों के प्रति घृणा जो है वो साफ नज़र आती है। ऐसे लोग बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, और अगर हम कहें कि अगर ये किसी से इनका झगड़ा हो जाए और ये बदला लेने का या प्रतिशोध लेने की अगर बात करें तो ये लोग बड़े ऐसे होते हैं कि अगर कुछ सोच से पूरा करते हैं कि नहीं भाई हम तो लेके छोड़ेंगे, तो कह सकते हैं मतलब कि ऐसे जो लोगों का मनोविकार होता है ना वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता, इसलिए इन लोगों के सिम्टम्स होते हैं कि ये अपने जीवन से कभी भी खुश नहीं हो पाते और इनको वो चीज़ें मिलती भी नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर दूसरों की बुराई में, दूसरों की नुक्ताचीनी में, नुक्स में, इन चीज़ों में लगे रहते हैं, तो इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाते, सक्सेस नहीं रह पाते। जिन लोगों का ये स्वाधिष्ठान चक्र डीएक्टिवेट होता है उनको विवाह में भी बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। अगर किसी महिला का स्वाधिष्ठान चक्र बिगड़ा हुआ होगा या डीएक्टिवेट होगा तो उसमें दोस्तों उन्हें गर्भधारण में प्रॉब्लम होती है, सेकंड उन्हें मासिक धर्म में प्रॉब्लम रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें ये चीज़ें जो हैं
वो आपको दिखने में मिलेंगी, जिनमें ये चक्र डीएक्टिवेट होगा। और काफ़ी आलसी प्रकार के लोग होते हैं ऐसे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जो मैंने आपको शेयर की। और दोस्तों बहुत सारी जो ऐसी ही चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति का ये स्वाधिष्ठान चक्र बिगड़ा हुआ है या डीएक्टिवेट है या वीकनेस उस पर है तो ये ठीक नहीं हो सकता। इसके बहुत सारी विधियाँ होती हैं जो बहुत सरल होती हैं, जिनको हम लोग डेली मर्रा में रोज यूज़ करके इनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और अपने जीवन के लिए सही एक मार्गदर्शन जो है वो हम लोग देख सकते हैं या चुन सकते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी ऐसी समस्या से परेशान हैं, जूझ रहे हैं या आपको लगता है कि ऐसी कोई समस्या उसमें है तो आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।